ब्रजभूषण पर फूटा पहलवानों का गुस्सा। मुजफ्फरनगर में किसानों की खाप पंचायत। ब्रजभूषण पर कार्रवाई की मांग। सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति तैयार। अब आगे क्या? ब्रजभूषण के खिलाफ पहलवानों का गुस्सा थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। पहलवान ब्रजभूषण की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और आज इसी पर रणनीति बनाने के लिए मुजफ्फरनगर के सोरम की चौपाल में किसानों ने खाप पंचायत बुलाई है। ये पंचायत भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत के द्वारा बुलाई गई है। दरअसल गंगा दशहरे के मौके पर प्रदर्शनकारी पहलवान सरकार से गुस्सा होकर अपने मेडल गंगा में प्रवाहित करने पहुंचे थे और उन्हें नरेश टिकैत ने ही उस दौरान रोका था। पहलवानों का गुस्सा क्यों फूटा? दरअसल 28 मई को एक तरफ नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, वहीं दूसरी ओर यानी कुछ ही दूरी पर जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना पुलिस बल ने हटा दिया था। तस्वीरों से प्रतीत हो रहा है कि प्रदर्शनकारी पहलवानों का धरना जबरन हटाया गया और उन्हें खदेड़ा भी गया, जिसके बाद पहलवानों का गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ गया। पहलवानों ने कहा कि यदि हमारी ये दुर्गति की जा रही है तो इन मेडलों का कोई भी मायने नहीं है। पहलवानों ने ऐलान किया कि वे गंगा दशहरे के मौके पर अपने सभी मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे और ऐसा करने के लिए वे हरिद्वार की हरकी पौड़ी भी पहुंच गए, लेकिन वहां भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत भी उनके पीछे पीछे पहुंच गए। टिकैत ने पहलवानों को समझाया कि वे गंगा में मेडल प्रवाहित ना करें और 5 दिन का समय मांगा कि वे सरकार को समझाएंगे कि ब्रजभूषण पर कार्रवाई करें और पहलवानों को 5 दिन का अल्टीमेटम भी दिया। सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति। अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए मुजफ्फरनगर में किसानों ने खाप पंचायत बुलाई है, जहां नरेश टिकैत भी पहुंचे हैं। विवाद है इसमें तो पूरे भारत का हल निकलने वाला है। देखो जैसे भी कुछ होगी, सब जिम्मेदार आदमी बड़े समझदार है, इन्हें समझौते के मूड में है सब, ऐसी कोई बात नहीं। सरकार की तरफ तक कुछ हुआ हो तो सब समझौते के उसमें, सरकार की बात है समझौता करे, और समझौता सिर्फ एक ही बात पे है, वो उसकी गिरफ्तारी हो जाए, समझौता ही है और क्या है। नहीं हम क्या करें, 5 दिन में तो नहीं हुआ, तो वे लड़के हैं, वे पहलवान है, क्या कदम उठा ले और उस देश के लिए और गंभीर स्थिति पैदा हो जाएगी। हमें तो उधर की तरफ तभी देखना पड़ेगा, हाँ ये कोई ऐसा कदम ना उठावे। वही ब्रजभूषण का कहना है कि यदि उनके खिलाफ कोई भी सबूत निकल आए तो वो खुद फांसी पर लटक जाएगा। और मैंने उसी दिन कहा, कब हुआ, कहाँ हुआ, किसके साथ हुआ, और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो ब्रजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। वहीं ब्रजभूषण के समर्थन में अयोध्या के साधु संत भी उतर आए हैं। साधु संतों ने कहा है कि वो सरकार से मांग करेंगे कि पॉक्सो एक्ट में सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान खत्म हो। साथ ही 5 जून को संतों ने एक बैठक का ऐलान भी किया है। का जीवन बर्बाद हो जा रहा है और टीवी माध्यम, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से देश में तमाम चर्चाएं इस संबंध में चल रही है। आज जिस कुश्ती संघ के अध्यक्ष जी के ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, वो हम मतलब अपनी ये निजी राय है कि ये आरोप केवल लगा देने से व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता। पहलवानों के समर्थन में ममता बनर्जी। वहीं ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री भी उतर आई हैं। उन्होंने बंगाल में ही एक पैदल मार्च निकाला है। हम रेस्ट के लिए
हम जो आज रैली किया है कल भी हमारा चलेगा। जो हमारा इंडिया का प्लेयर है, जो ओलंपिक में खेला है, जो कॉमनवेल्थ में खेला है, जो एशियन गेम्स में खेला है, सबको लेकर आज जो रैली हुआ है ऑल एसोसिएशन ऑल फेडरेशन, कल भी मैं विनती करना चाहूंगी कि सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति। पंचायत में पहलवानों के आंदोलन को लेकर बड़े फैसले किए जा सकते हैं। टिकट के सलाह मशवरे के बाद ही कोई फैसला होगा। देखना भी ये होगा कि ये खाप पंचायत सरकार पर ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई के लिए दबाव बना पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज़, यूपी।